3 साल पहले जहां था उसी लेवल पर आया नामी स्टॉक, मोतीलाल ओसवाल ने कहा खरीद लो सस्ता है। शेयर मार्केट में पिछले नवंबर 2023 से चल रहे बुल रन में कई कंपनियों के शेयर प्राइस बहुत अधिक बढ़ गए और कुछ एक्सपर्ट्स ने कई नामी स्टॉक को ओवर वैल्यू भी कहा। बढ़ते हुए बाजार में कई बार प्रॉफिट बुकिंग भी आई। इस दौरान कुछ स्टॉक ऐसे भी रहे जो नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2024 में निफ्टी के ऑल टाइम हाई बनाने के दौरान अपने 52-वीं हाई पर थे, लेकिन मौजूदा मार्केट करेक्शन में कुछ स्टॉक अपनी पुरानी प्राइस पर ट्रेड करने लगे हैं, जहां से उन्होंने अपनी अपसाइड रैली शुरू की थी। हैवर्स इंडिया लिमिटेड ऐसा ही एक स्टॉक है जो लगातार प्रॉफिट बुकिंग और उसके बाद गिरावट से अपने उस लेवल पर लौट आया है जहां से उसकी अपसाइड मूवमेंट शुरू हुई थी। हैवर्स इंडिया ने 11 जनवरी 2024 को 1472 का हाई लेवल लाया था, जो इसका 52-वीक का हाई लेवल भी है। इसके बाद स्टॉक में लगातार गिरावट देखी गई और उसने 1282 का लेवल भी देखा। हैवर्स इंडिया लगातार 10 ट्रेडिंग सेशन से ये स्टॉक गिर रहा है और अब तक अपने हाई लेवल से ये 15% गिर चुका है। इस दौरान हैवर्स ने 1282 का अपना सपोर्ट लेवल भी टेस्ट किया। गुरुवार को हैवर्स इंडिया का शेयर 1291.20 रुपए के लेवल पर क्लोज हुआ, 3 साल पहले के लेवल पर आया। हैवर्स इंडिया ने 1282 एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है, यह वही लेवल है इससे पहले ये स्टॉक इसी लेवल के आसपास फरवरी 2021 में प्राइस एक्शन बनाकर ऊपर गया, यानी ये लेवल उसका पुराना सपोर्ट है जहां इसने कंसोलिडेशन दिखाया। इस तरह हैवर्स इंडिया अपने 3 साल पुराने लेवल पर है और लगातार 10 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट झेलने के बाद अपने सपोर्ट लेवल से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल ने हैवर्स इंडिया में खरीदारी करने की सलाह दी है। ब्रोकरेज फर्म ने इस टारगेट प्राइस 1510 रुपए बताया है। प्रमोटरों के पास 31 दिसंबर 2023 तक कंपनी ने 59.43% हिस्सेदारी थी, जबकि आईआई के पास 9.98% हिस्सेदारी थी। हैवर्स इंडिया ने डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट लेते हुए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाने की कवायद शुरू की है जो इसे ऊपर ले जा सके। इसके लिए स्टॉक को कुछ समय अपने सपोर्ट लेवल के आसपास बिताना होगा और इसी तरह क्लोजिंग इसने गुरुवार को दी है। आने वाले दिनों में इसने अगर 1280 और 1270 लेवल का सपोर्ट ब्रेक नहीं किया तो फिर यह कंसोलिडेशन फेज के बाद ये स्टॉक ऊपर जा सकता है और इसमें अच्छे खासे टारगेट देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक नोट जरूर देना चाहेंगे कि आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग करें तो अपने एक्सपर्ट्स की सलाह के अनुसार ही करें।